देश में लगे चावल के निर्यात पर बैन को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल सरकार ने चावल निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए उनके पुराने एक्सपोर्ट सौदों को लेकर जारी संधे को अब खत्म कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन निर्यातकों ने 20 जुलाई को चावल निर्यात पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी होने से पहले निर्यात शुल्क का भुगतान कर दिया है, उन्हें उस खेप को भेजने की मंजूरी दी जाएगी। 20 जुलाई को सरकार ने घरेलू सप्लाई को बढ़ावा देने और चावल के दाम बढ़ाने से रोकने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के इस फैसले की अधिसूचना जारी करते समय DGFT ने कुछ खेपों के बारे में बताया था जिन्हें निर्यात किया जा सकता है। निदेशालय ने 29 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति तब दी जाएगी जब निर्यात शुल्क का भुगतान 20 जुलाई 2023 को रात के 9:57 से पहले किया जाएगा। इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में हालात सामान्य होते ही सरकार निर्यात को मंजूरी देने का फैसला कर सकती है। खुशी का दिन है कि गवर्नमेंट ने हमारी अपील को सुना और हमारे को राहत देते हुए जो 20 तारीख की रात 9:57 तक जितने भी लोगों के शिपिंग बिल फाइल होकर उसकी ड्यूटी पे हो गई थी, तो उन लोगों को राहत देते हुए आज ये ऐलान किया, नोटिफिकेशन जारी किया कि वो एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया जाए। अदरवाइज वो इसको नहीं करते, कम से कम 100 कंपनियां प्रॉब्लम में आ जाती, और आज उन सब 100 कंपनियों के लिए, उससे भी ज्यादा हो सकती हैं कंपनियां, उनको बड़ी राहत का दिन है। निदेशालय की जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पुराने निर्यात सौदों की मंजूरी के लिए जरूरी है कि खेप 20 जुलाई को 9:57 से पहले सीमा शुल्क को सौंपी गई हो। इस समय से पहले निर्यात के लिए सीमा शुल्क प्रणाली में पंजीकृत हो या फिर सीमा शुल्क स्टेशन के संबंधित संरक्षण के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पंजीकृत हो। ऐसे में इस तरह की खेपों को 30 अक्टूबर तक सफेद गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने $1200 यानी करीब 1,00,000 रुपए प्रति टन से कम कीमत के बासमती चावल का निर्यात नहीं करने का फैसला किया है। ये फैसला बासमती चावल के अलावा दूसरी किस्मों के चावल के निर्यात को रोकने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने APEDA को निर्देश दिया है कि वो $1200 प्रति टन से कम के सौदों को रजिस्टर ना करे। सरकार घरेलू बाजार में चावल की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए ये कदम उठा रही है।